दोस्तों भारत ने 21 सालों बाद मिस यूनिवर्स खिताब को अपने नाम कर लिया है और इस खिताब को भारत के नाम करने वाली लड़की का नाम है हरनाज संधु। इससे पहले ये खिताब साल 2000 में लारा दत्ता ने भारत के लिए जीता था और बड़े मजे की बात है कि इसी साल हरनाज संधु का जन्म हुआ था। 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन इजराइल के एलात शहर में चल रहा था, जिसमें 80 देशों की लड़कियां मिस यूनिवर्स के ताज के लिए एक दूसरे से कम्पीट कर रही थी। 12 दिसंबर को डिक्लेयर हुए रिजल्ट में ये ताज भारत में रहने वाली हरनाज संधु को पहनाया गया। भारत की ग्लैमर गर्ल हरनाज संधु अभी सिर्फ 21 साल की है और वो चंडीगढ़ पंजाब से बिलोंग करती है और अभी वो अपनी मास्टर्स की पढ़ाई भी कर रही है। उन्होंने चंडीगढ़ के ही शिवालिक पब्लिक स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की थी और उसके बाद वो कॉलेज के साथ साथ मॉडलिंग भी करने लगी। वैसे तो हरनाज के पूरे परिवार में लोग या तो खेती से बिलोंग करते हैं या गवर्नमेंट जॉब से, लेकिन साल 2017 में उन्होंने जब अपने कॉलेज में होने वाले एक शो में परफॉर्मेंस दी तो उन्हें समझ आ गया कि उन्हें इसी लाइन में अपना करियर बनाना है। उसके बाद उन्होंने इंडिया में ही होने वाले कई मॉडलिंग कॉम्पिटिशन जीते और साथ ही उन्होंने 2 पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। हालांकि इन दोनों फिल्मों में वो लीड हीरोइन नहीं थी, लेकिन अब शायद उन्हें हर कोई अपनी फिल्मों में एक लीड रोल देना चाहेगा। मिस यूनिवर्स बनी हरनाज को देखकर आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि वो कभी डिप्रेशन का शिकार भी रही थी। दरअसल हरनाज बचपन से ही काफी इंट्रोवर्ट दुबली पतली सी लड़की थी जो हर वक्त लोगों की नजरों में आने से बचना चाहती थी, लेकिन ये कमजोरी ही उनके लिए आफत बन गई। स्कूल में हरनाज का सभी मजाक उड़ाया करते थे और इसी वजह से वे धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो गई। और एक बार डिप्रेशन के चंगुल में इंसान फंस जाए तो उसका क्या हश्र होता है आपको पता ही है। लेकिन हरनाज ने हार नहीं मानी, वही उनके करीबी दोस्त और परिवार वालों ने इस नाजुक दौर में उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने 17 साल की उम्र में वो जंग जीत ली और उसके बाद आज उन्होंने पूरी दुनिया के सामने मिस यूनिवर्स के मंच पर बेखौफ होकर अपने जवाबों के जरिए पूरी दुनिया को अपने सामने नतमस्तक होने को मजबूर कर दिया। दोस्तों इस कंपटीशन के लास्ट में 3 देशों के प्रतियोगी बचे थे, इंडिया, पराग्वे और साउथ अफ्रीका। बाकी सारे देश आउट हो चुके थे। इन तीनों देशों के कंटेस्टेंट से जजेस ने एक सवाल पूछा और वो सवाल था कि आज के समय में दबाव का सामना करने वाली युवा महिलाओं को वो क्या सलाह देना चाहेंगी जिससे वो उनका सामना डटकर कर सके। और जजेस को हरनाज का जवाब सबसे अच्छा लगा। हरनाज ने जवाब दिया कि आज के युवा का सबसे बड़ा दबाव उनका खुद पर भरोसा करना है, यह जानना है कि आप अनोखे हो, यह आपको खूबसूरत बनाता है। अपने आप की दूसरों से तुलना करना बंद करिए और पूरी दुनिया में जो हो रहा है उस पर बात करना बेहद जरूरी है। बाहर निकलिए, खुद के लिए बोलिए, क्योंकि आप ही अपने जीवन के नेता हैं, आप ही खुद की आवाज है। मैं खुद में विश्वास करती हूं और मैं इसलिए आज यहां पर खड़ी हूं। इससे पहले टॉप 5 कंटेस्टेंट के बीच हुए राउंड में भी
उनसे जलवायु परिवर्तन से जुड़ा एक सवाल पूछा गया था। उनसे पूछा गया कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक छलावा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप इन लोगों को कैसे समझाएंगी। हरनाज ने जवाब दिया कि मेरा दिल टूट जाता है जब मैं प्रकृति को देखती हूँ कि वो कितनी दिक्कतों से गुजर रही है, और ये सब हमारे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण होता है। मैं मानती हूँ कि ये समय बात कम और काम ज्यादा करने का है, क्योंकि हमारा हर एक काम प्रकृति को या तो बचा सकता है या नष्ट कर सकता है। प्रकृति को नष्ट होने से बचाना और इसकी सुरक्षा करना बाद में पछताने और इसकी मरम्मत करने से कई ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता सिर्फ सुंदर दिखने से ही नहीं जीती जाती, वहाँ जजेस आपके दिमाग और पर्सनैलिटी के हर पहलू को जज करते हैं। इससे पहले 1994 में पहली बार सुष्मिता सेन और दूसरी बार 2000 में लारा दत्ता ने ये खिताब जीता था, और उसके बाद साल 2021 में हरनाज संधू ने इसे अपने नाम किया।